जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब में मौजूद हूँ जहाँ चानन डेवलपमेंट एसोसिएशन के मेंबरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अभी उनसे बात करती हैं कि जो टैक्स 2019-20 के मुतल्लिक उनके पास कौन सा ऐसा प्रपोजल है और उसमें कौन कौन सा तबका मुतासर हुआ, इसी वाले से यहाँ शहजाद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शहजाद साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपका जो मेन पर्पज था वो बता दें और जो टैक्स है 2019-20 इसमें गरीब आदमी का किस हद तक पिसा है वो भी सर शेयर कर दें। सो बेसिकली आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मकसद था वो ये कि 2019-20 का जो बजट प्रेजेंट किया है उसके ऊपर एक सिटीजन पर्सपेक्टिव से हमने उसको एनालिसिस किया है, जो शहरी हैं उनके तस्वर से हमने उसका एनालिसिस किया है। इस एनालिसिस के बाद हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि जो पूरा बजट है ये पूरा का पूरा बजट फोकस करता है डेब्ट सर्विसिंग के ऊपर, क्योंकि जो पूरा बजट का 67% जो है वो डेब्ट और डिफेंस के अंदर चला जाता है, जबकि जो सबसे ज़्यादा इस बजट से मुतासर हुआ है वो गरीब आदमी हुआ है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जैसे ही पाकिस्तान एक नए IMF प्रोग्राम के अंदर गया है उसकी वजह से नए टैक्सेस जो हैं वो लाए गए हैं। एक जो टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट है वो 5.5 ट्रिलियन का रखा गया है, जो कि एक बहुत बड़ा टारगेट है, लास्ट ईयर से 1.5 ट्रिलियन ज़्यादा है। इसका जो रिसीव करने का जो इस टैक्स कलेक्शन के लिए बेसिकली 70% जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से आएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन पे करता है? वो आम आदमी पे करता है। अगर हम देखें मिसाल के तौर पे जो घी और ऑयल है जिसके ऊपर पहले 1 रुपये पर KG टैक्स पड़ता था, अब जो है वो बेसिकली 17% FED जो है गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है। तो ये सबसे ज़्यादा गरीब तबका जो है उसे हुआ है। इस तरह से ऑयल की प्राइसेस बढ़ी, इस तरह से फ्यूल की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ हुई हैं। LNG के ऊपर जो पहले टैक्स एग्जम्पशन थी वो विदड्रॉ की गई है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं बेसिकली ये गरीब आदमी पे जो मतवसत तबका है उस पर असर करती है। और इसका असर ये होगा कि 2021 के अंदर अगर हम देखें तो 8.3% के करीब जो है वो बेरोजगारी बढ़ेगी, जिसका मतलब ये है तकरीबन 60 लाख मजीद लोग जो है वो गुरबत का की लकीर से नीचे चले जाएंगे। ये बहुत अलार्मिंग फिगर्स हैं जहाँ तक हमारा कंसर्न है। बींग सिटीजन हम ही चाहते हैं बेसिकली एक ऐसा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन निज़ाम पाकिस्तान में आए जिसमें अमीर आदमी जो के ऊपर ज़्यादा टैक्सेज लगें जो पे कर सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट टैक्सेज हैं उसकी तादाद बढ़े और जो इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं वो कम से कम हो। साहब, इनडायरेक्ट जो टैक्सेस हैं उनका खात्मा कैसे मुमकिन हो सकता है वो आप शेयर करेंगे? देखिए, आप पूरी दुनिया के अंदर जो निज़ाम है कि जो बंदा ज़्यादा पैसे कमाता है बेसिकली उसको ज़्यादा टैक्स देना चाहिए, ये गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी और कमिटमेंट है कि वो डायरेक्ट टैक्सेस की रेशो जो है वो बढ़ाए। जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है उसका मतलब ये है कि जो बेसिकली ट्रेडर्स हैं, एसोसिएशंस हैं, कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा टैक्स लेती हैं उनके ऊपर टैक्सेस लगाए जाएँ, और जितने भी टैक्स एग्जम्पशंस दिए जाते हैं वो तमाम के तमाम एक सिर्फ और सिर्फ एक SRO के जरिए इशू कर दिए जाते हैं। उसके ऊपर पार्लियामेंट में डिबेट नहीं होती, आम शहरियों के जो नुमाइंदे हैं वहाँ पर डिस्कशन नहीं करती। तो टैक्स एग्जम्पशंस खत्म हो, नंबर 1, नंबर 2 प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हो और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो कम से कम जो है वो किए जाएँ। अच्छा, बिल्कुल, जैसा कि शहजाद साहब ने हमें आगाह किया, इसी वाले से हेल्थ को ले लें, एजुकेशन सेक्टर को ले लें, जितने भी हमारे महकमे हैं उनको ले लें, तकरीबन हर महकमे में जो भी प्रोडक्ट्स हैं उस पर टैक्स लगा है। हमारे साथ सैरिश मौजूद हैं, वो हेल्थ के वाले से बताएंगी कि आम आदमी जो कल तक दवाई फ्री ले रहा था या अल्ट्रासाउंड फ्री करवा रहा था आज उन पर फीस हो चुकी है। तो सैरिश, आप कैसे देखती हैं कि जो गवर्नमेंट की एक तरफा पॉलिसी है इस पर आप अपने क्या कमेंट्स करना चाहेंगे? मैं समझती हूँ ये जो सूरत हाल हो चुकी है इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, आप इसे कह सकते हैं कि जो गरीब है वो गरीब तर होता जा रहा है और अमीर जो है वो अमीर तर होता जा रहा है। कि एक जो किसी भी आप डेवलपमेंट कंट्री में देखें तो हेल्थ जो होते बहुत ही अहम होती है किसी भी कंट्री के लिए, और यहाँ पर देखें सूरत हाल यही है कि इसी पर ही टैक्स लगा दिए गए हैं कि ब्लड प्रेशर की आप मेडिसिन देखें उनकी प्राइस इंक्रीज़ हो गई है, इंसुलिन इंक्रीज़ हो चुकी है, हार्ट की डिजीज जितने भी हैं उनके पेशेंट अब क्या करें, जो उन्हें मेडिसिन 600 में मिलनी थी अब 1200 में मिल रही हैं। तो ये बहुत ही, मैं समझती हूँ इसमें हम सब लोगों को सोचना होगा और ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है अगर हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते अब। अच्छा, आप बताइएगा जो हेल्थ मेडिसिन है उनके वाले से आपके पास क्या फैक्शन फिगर है, सो इसका आपके पास क्या जो सोल्यूशन है? जी, इसका सोल्यूशन है कि हम आवाम को अवेयर करें कि गवर्नमेंट ने कैसे अप टू 500% मेडिसिन प्राइस इंक्रीज कर दी है। अप टू 500% हमारी 33% जो गरीब आवाम है जो खाना पीना अफोर्ड नहीं करती उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो एक मेडिसिन अफोर्ड करें। इसका नतीजा क्या निकलेगा? वो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं पे कर पाएंगे, महंगी चीज़ें नहीं ले पाएंगे, बीमारियाँ बढ़ेंगी, लोग अपनी हेल्थ का केयर नहीं कर पड़ेंगे क्योंकि 33% तो पॉवर्टी है, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं इनको ख़त्म करना चाहिए, जो लोग ज़्यादा कमाते हैं जो डायरेक्ट टैक्स दे सकते हैं उनसे टैक्स लेना चाहिए है, और 12.5% से ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान की गुर्बत की सूरत हाल है। जी, जैसा कि आपने चानन डेवलपमेंट एसोसिएशन के जो अहदादारान हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उनका कहना था कि गुज़श्ता रोज़ ताजरों की जानब से
جو ان کے مطالبات تھے وہ پورے کیے گئے اور 3 ماہ کے لیے جو شناختی کارڈ کی شرط تھی وہ مؤخر کر دی گئی ہے. تو چنن ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن کا بھی یہی کہنا تھا کہ عام آدمی کو ایک انڈائریکٹ ٹیکسز پہ بھی ایک تحریک چلانی چاہیے تاکہ عوام آدمی بھی اپنی خود اداریت کو استعمال کرتے ہوئے اپنا حق حاصل کر سکے اور بے جا بوجھ اور ٹیکسز سے بچ سکے.